या आपको पहले से पता चल रहा हो कि ये स्लोली डेथ की तरफ कोई शख्स जा रहा है तो उस प्रोसेस को डाइंग कहते हैं डेथ की सूरत में आप तैयार नहीं होते और डाइंग की सूरत में ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द के लोग बल्कि आप खुद भी इमोशनली और प्रैक्टिकल मैटर्स में भी एक तरह से जाने के लिए तैयार होते हैं इसलिए हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे ये अगली दो तीन जो लेक्चर्स हैं इसमें हम डेथ और टाइम के हिसाब से कल्चर को देखेंगे जैसे ज़िंदगी एक रियलिटी है और हम क्रॉस कल्चरल में मुख्तलिफ ऐसी बातें देख रहे हैं जिनमें रसूमों रिवाज एजुकेशन फैमिली सिस्टम मैंटल हेल्थ और इनमें क्या क्या कल्चरली सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस हो सकते हैं इसी तरह मौत की जो एक हकीकत है उसके ऊपर भी कल्चर जो हैं वो वेरी कर सकते हैं और बिल्कुल एक जैसी बात भी कर सकते हैं तो जो चीज़ें तमाम इंसानों में कॉमन है कि उन्होंने पैदा होना है और उन्होंने दुनिया से जाना है तो फिर ज़ाहिर मौत के कुछ तस्वूरत हैं जो कि हम सब आपस में शेयर करते हैं और उसमें आपको ग्रेट सिमिलैरिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा एक जैसी बातें मिलेंगी जाने वालों के ख़्वाब जाने वालों की बातें कहाँ जाते हैं जाने से पहले क्या होता है या आपको ये टॉक बहुत मिलेगी हर कल्चर में अब डेथ के जो तस्वूरत हैं कि क्या होता है जब मौत होती वाकया होती है एक तो मेडिकल डेथ है और फिर ये कि डेथ होनी कैसे चाहिए तो अक्सर दुआएं आपने सुनी होंगी जो तकरीबन इसके ऊपर कम रिसर्च हुई है हर कल्चर में ये होता है कि हम अपनी मौत की सहूलत या ख़ात्मा बिल खैर की दुआ जो है वो करते हैं बुज़ुर्ग तो करते ही हैं लेकिन ये एक मुस्तकिल दवाओं दुआओं में शामिल होता है और बहुत सी नमाज़ की दुआएं ऐसी हैं बहुत से और दीन में दुआएं ऐसी हैं जिनमें आप ये कह रहे होते हैं कि जब मैं जाऊं तो मेरे लिए आसानी और मेरी रूह आराम से अपने अकल दर्जात तक पहुंचे ये अफ्रीका के ट्राइब्स में भी ये दुआ है ये जो मेक्सिको के लोग हैं उनमें भी ये दुआ है जो इगलूज़ में रहते हैं उन नस्लों में भी ये दुआ है और जो आपको इंडिजनस यानी जिनके हम पहले रेड इंडियन कहते थे अब इंडिजनस ट्राइब्स कहते हैं जो कि बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनकी जगहों पे कब्ज़ा करके और उनके रिलिजन के साथ उन्हें एक साइड पे कर दिया तो इंडिजनस ट्राइब्स में भी वो ख़ास रिचुअल करते थे इस चीज़ की दुआ करने के लिए कि मौत अच्छी हो तो कंसेप्शन ऑफ डेथ जो है वो कुछ ना कुछ ज़ाहिर करती हैं वेरी अब एक्सेप्टेबल डेथ क्या है और गुड डेथ क्या है एक्सेप्टेबल डेथ अब हमारे रिलीजन में शहादत एक अच्छी ट्रांजिशन है दूसरी दुनिया में चले जाना है और शहादत कब होती है और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को शहादत कहा जाता है किस चीज़ को नेचुरल या नेचुरल डेथ कहा जाता है आ, ये एक रिलीजस प्रस्पेक्टिव है हम इस पर आगे चल के भी बात करेंगे एक्सेप्टेबल डेथ ये है कि कोई ड्रामा नहीं है उसमें आप बिल्कुल डिसप्लेंड एक ख़ास तरीके से एक अच्छा जियो होना है इस तरह ख़त्म होना है और इस तरह इनको अगली मंजिल तक पहुँचाना है इमोशन के बगैर आप उस डेथ को डील कर रहे हैं एक ऐसी डेथ जिसमें आप तैयार हैं जाने के लिए उसको भी गुड डेथ कहा जाता है जहाँ पे आप समझते हैं कि दुनिया से खुदा हाफिज़ कहने का टाइम है और बड़े सुकून के साथ खुदा हाफिज़ कहा जाता है डेथ की इंग्जाइटी जो फियर है वो उस पर भी काम बहुत हुआ है और वो कॉमन है अगर उस पर कुछ लोग ज़्यादा सोचती हैं कुछ कुछ ज़्यादा होता है एक अपने जाने का खौफ होता है एक प्यार अपने से जिनको होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के जाने का खौफ होता है एक मौत का खौफ होता है और एक डाइन का होता है यानी आप किसी ऐसी चीज़ में मुबतला हो जब आप स्लोली मौत की तरफ जा रहे हो तो ये खौफ अपने लिए भी और जो हमारे से करीब है उनके लिए भी ये होता है तो बहुत सी कई दफ़ा ऐसी अचीवमेंट्स ऐसे काम लोग करते हैं कि जाने के बाद भी उनका नाम दुनिया में रहे वो अपनी नस्लों के लिए करें इंसानियत के लिए करें इन्वायरमेंट के लिए करें और इसीलिए ये बात हर कल्चर्स में आपको मिलेगी कि लोग मेमोरियल ट्रस्ट बनाते हैं अपने नाम पे दरख्त बेंच गांव, पानी के कुएँ उसके पीछे कुछ रिलीजन में तो यही कॉन्सेप्ट है ना हर रिलीजन में कि इससे आप अपना आख़रत का सरमाया जमा करते हैं लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपका नाम जो है वो कोई फ़ायदा पहुंचा के जा रहे हैं दुनिया को तो एक तरह आपका नाम रहता है बहुत से लोग ये काम करते हैं मशहूर होने के लिए भी करते हैं जो लोग खौफ रखते हैं मौत से वो हेल्दी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अहमियत है, देते हैं कि हम ज़्यादा देर तक हेल्दी रहें बहुत ऐसे भी कल्चर हैं जिनमें मौत का खौफ जो है वो कम है और वेस्टर्न कल्चर्स में इस पर ज़्यादा स्टडी हुई है डेथ एंग्साइटी पे और उसको नफ्सात की जो स्टडीज़ हैं उनमें भी काफ़ी देखा गया है